हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नाज़िया ब्लॉग। सो आज नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज है सैटरडे, तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, जैसा आप देख सकते हैं। और अभी मैं बनाने वाली हूँ लंच। और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, आज हमारे घर में मेरे पास ये तीन नए चाकू जो अभी ये लेकर आए हैं। मैंने क्या किया, आज से 3 से 4 दिन पहले सब्जी मैं कट कर रही थी और कचरे के साथ शायद वो चाकू भी चला गया और वो फेंक दिया मैंने, मुझे पता नहीं चला। तो अब बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, तो फिर इकट्ठे ये 2-3 चाकू लेकर आ गए साथ में, क्योंकि एक बार और पहले मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, कचरे के साथ वो फेंक गया, मुझे पता ही नहीं चला। गला लग रहा है थोड़ा थोड़ा सा। तो चलिए मैं सब्जी बनाती हूँ। सब्जी में लेकर आए हैं ये है सब्जी, हेल्दी सब्जी। ये है हमारी आज की सब्जी, इसमें है गाजर, चुकंदर, शिमला मिर्च। जल्दी से मैं ये खाना बना लेती हूँ और फिर मुझे जाना है मार्केट। आज धूप भी अच्छी आ रही है, हल्की आ रही है, मतलब ज़्यादा तेज़ नहीं आ रही है। तो सर्दी जैसा, सुबह तो सर्दी टाइप का मौसम हो रहा था, बट अभी मौसम ठीक है। तो जल्दी से खाना बना के, खाना खा कर ही मार्केट जाएंगे। मेरे घर में चुकंदर मोस्टली ज़्यादा बन रहा है, डेली ही, ये समझ लो डेली ही बनता है। तो कुछ उसमें हम मिक्स कर देते हैं और वेजीज। तो मैं नाश्ता करने वाली हूँ, मटर मैं नहीं डालूँगी क्योंकि मटर खाते खाते बहुत बोर हो गई हमें। इसमें है आलू, गाजर, शिमला मिर्च, ये चुकंदर है, चुकंदर और धनिया से गार्निश कर दिया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जल्दी से खाना खाते हैं, उसके बाद हेलो कर दो, हेलो। अब जल्दी से खाना खाते हैं, उसके बाद हम चलेंगे मार्केट, और मार्केट क्यों जा रहे हैं वो आपको बताएंगे जल्दी। वो सरप्राइज। तो मैं हो गई हूँ रेडी जाने के लिए, और अभी हम दोपहर में जा रहे हैं, 2 बज गए हैं, तो गर्मी लग रही है, इसलिए जैकेट्स वगैरह तो नहीं पहनी, इसलिए स्वेट शर्ट पहन ली है मैंने। और आपको भी नहीं लग रही, इनको भी नहीं लग रही है सर्दी, इसलिए इन्होंने भी टी शर्ट पहन लिया है, हुडी टाइप। तो चलिए अब हम चलते हैं और मार्केट में जाके आपको, मार्केट में जाकर मिलेंगे आपको। हो गए रेडी या हो रहे हो? चलो हो गए। भैया इसका प्राइस क्या है? 100 है क्या? ये क्या गिर गया? कलर मिल गया? ये लग रहा है मुझे, ये वाला, ये हाँ ये लग रहा है, लाइट है, थोड़ा लाइट और डार्क तो आता है, वो ज्यादा लग रहा था ये वाला। ये ज्यादा पिंक लग रहा है ना। मैंने यहाँ पे कपड़े तो ले लिए हैं, बट मुझे ना चूड़ियाँ नहीं मिल रही हैं मैचिंग की, तो हम वही मैच कर रहे हैं। यहाँ है हम मार्केट में, शॉपिंग हो रही है चूड़ियों की। 6:30 हो गई है शाम, हम घर पर आ चुके हैं। अब मैं बताती हूँ कि मैं मार्केट क्यों गई थी। मैं गई थी मार्केट शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मेरा बर्थडे है, तो उसके लिए मैं कपड़े लेने के लिए गई थी, और साथ में ये बैंगल्स भी लेकर आई हूँ। ये यहाँ पर बहुत मिल रही हैं जोधपुर में, तो ये मैंने अभी ये पहनकर देखी थी। तो ये इस कलर का मेरा सूट है, और ये साथ में मैं दिवाली पर गई थी जब भी लेकर आने वाली थी, बट जब मैं जल्दी जल्दी में नहीं लेके आ पाई थी, तो मैंने सोचा मैं बाद में लेकर आऊँगी, आज फिर मुझे मिल गई। तो इसका क्या है, ये एक ही साइज का आता है, बड़ा साइज ही आता है इसका। मैंने वो शॉपकीपर से पूछा कि ये छोटा साइज़ मिलेगा, तो ये क्यों बोलता है कि नहीं ये तो एक ही साइज़ आता है, फ्री साइज़ है मतलब, तो थोड़ा सा बड़ा है। उसके बाद मार्केट में इतनी, मार्केट में तो मैंने ज़्यादा कुछ ब्लॉग शूट नहीं करा था, क्योंकि बहुत पब्लिक थी और न्यू ईयर है, क्या पता इस वजह से रश बहुत ज़्यादा था, तो उसी में ही हो गया। और सबसे बड़ी बात, ये मेरे साथ जाते हैं तो ये तो बोलते हैं भाई जैसा जो भी लेना है फटाफट लेके फ्री हो, इनसे ये ऑफलाइन शॉपिंग नहीं होती बिल्कुल। तो ये आज हंस रहे बोल रहे, मेरी मम्मी का भी बताती हूँ, हमारी मम्मी भी हमसे यही बोलती थी
जब भी शॉपिंग करने के लिए लेके जाती थी तो उनका वो यही बोलती थी मुझसे, मेरे घर पर हम लोगों से यही बोलती हैं कि बस उनका पैसा देने का काम है, बाकी जो पसंद करना है जल्दी करो, क्योंकि मार्केट में जाते हैं ना तो देखो यहाँ नहीं मिल रहा तो वहाँ से ले लेते हैं, वहाँ नहीं मिल रहा तो यहाँ से ले लेते हैं, टाइम बहुत लगता है। इनको मैंने इतना घुमा दिया, परेशान हो गए। क्या करे, ये तो ऊपर से मार्केट में इतनी भीड़, आज तो मतलब बहुत ज्यादा रश था और गाड़ियां ऐसे निकल रही थी कि जैसे अपने को टक्कर मार के हाँ, जाएंगी। तो इसलिए मैं वैसे सोचकर कुछ और गई थी लेना सोचकर कुछ और गई थी लेने के लिए, बट मिला नहीं। हो पब्लिक इतनी ज़्यादा हो, फिर ऐसा लग रहा कि फटाफट लेके फ्री होती हूँ, तो मैंने ले लिया। सूट लेकर आ गई मैं। जब मुझे कुछ समझ नहीं आता तो सबसे सिंपल चीज़ है सूट ले लो। और ये मुझसे बहुत दिनों से बोल रहे थे, पिछले 1 महीने से बोल रहे हैं कि कपड़े ले लेना, बट बीच में इनकी अभी तबीयत खराब हुई थी इस मंथ, तो उसमें मेरा ध्यान गया नहीं। तो फिर आज इन्होंने बोला कि चलते ही हैं, तो अब लास्ट टाइम पे तो जो समझ आता है वो ही मैंने ले लिया, तो अब पहनूंगी जब, देख लेना। पर अभी हम लोग आ गए थे तो मैंने सोचा इस ब्लॉग को भी एंड कर देती हूँ। और अभी फिर लाइव वीडियो है, आज 9:15 बजे से लाइव वीडियो होगी, तो उसके बाद अभी आकर थोड़ा सा हम रेस्ट कर रहे हैं, फिर खाना बनाऊंगी, जल्दी से खाना खाकर फ्री होंगे और 8:30 बजे तक पूरा फ्री हो जाएंगे। और सर्दी हमारे यहाँ इतनी कम हो गई है, दोपहर में हम लोग जैकेट पहनकर भी नहीं गए तो भी गर्मी लग रही थी यहाँ पर। वापस आने में सर्दी लगी क्योंकि शाम हो गई थी, बाकी दोपहर में तो गर्मी लग रही थी इसलिए हम लोग पहनकर भी नहीं गए थे। तो तो फिर कपड़ियां पहनती है वैसे हाँ, भी। जब इनकी तबीयत खराब हुई थी ना, जब हम लोग हॉस्पिटल जाते थे ना, उस टाइम बहुत जोरों की सर्दी पड़ रही थी यहाँ पर, बट अब तो टेम्परेचर बहुत कम हो गया है, बस अब कुछ 10-15 दिन की और सर्दी है यहाँ पर। क्यों? नहीं, जनवरी पूरा पड़ेगा, मकर अरे संक्रांति भी हाँ, बस है। वही तो बोल रही हूँ, 10-15 दिन की और सर्दी है, उसके बाद यहाँ सर्दी कम होने लगती है। 4 साल से तो मैं यही देख रही हूँ कि कम होने लगती है सर्दी यहाँ पर। तो चलो अब नया साल में एक दिन और बचा, नया साल आने में एक दिन और बचा है। क्यों? आज 30 तो हो ही गई है, कल 31, कल आपके साथ फिर नेक्स्ट हम शेयर करेंगे न्यू ईयर का न्यू ब्लॉग ईयर ब्लॉग हम शेयर करेंगे नेक्स्ट आपके साथ, जैसा भी जो भी करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। और आप सबका भी नया साल अच्छा हो, बस इस साल में एक दिन और बचा हुआ है थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, मार्केट जाते हैं तो बहुत थक जाते हैं। ये मुझसे बोल रहे कि क्या पता कि शादी से पहले भी ऐसे ही बहुत नखरे होते थे क्या तुम लोगों के, कि ये कि तेरे शादी से पहले भी इतने ही नखरे होते थे क्या, ये नहीं लेना वो नहीं लेना। मैं पता है ये नहीं लेना ऐसा नहीं लेना, वो चाहिए था थोड़ा सिंपल चाहिए, बिल्कुल है बिल्कुल भी सिंपल नहीं चाहिए, बहुत हैवी नहीं चाहिए, ये कलर नहीं चाहिए, इसमें बहुत परेशान कर लेती हूँ। तो ये बोल रहे हैं कि भाई इसके लिए, इसीलिए ये मुझसे बोलते हैं कि ऑनलाइन ज़्यादा सही रहता है कि अपने आप देखती रहे और पसंद कर ले, बट इस बार मैंने क्या है ढील दे दी, इस बार मैंने पसंद नहीं किया तो इसलिए टाइम लग गया है। चलो कोई नहीं, अब मैं इस वीडियो को एड कर देती हूँ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द।